पकड़ पकड़ मुंबई वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भाग गया। नेटफ्लिक्स पे जाके देखो कहाँ तक भागा है, बहुत लंबा भागा है, बहुत लंबा जो कि पकड़ में नहीं, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, इतना लंबा भागा है। सोचो आप, एक लड़की ने एक लड़के का ऐसा चकुमर बनाया है ना, मार के मोर बना दिया है। तो आइए चलिए करते हैं वार्तालाप। तो गाइस, नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई है चोर निकल के भागा मूवी, जिसकी स्टोरी अमेजिंग, जिसकी स्टोरी एक नंबर, जिसने उसे लिखा है, जिसने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट करने वाले की तारीफ कम लेकिन स्टोरी लिखने वाले की तारीफ ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी होने वाली है अमेजिंग, जो कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक बांधे रखने का काम करती है। आपको पता नहीं लगेगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और कैरेक्टर्स सारे नए हैं इसमें, आपको सिर्फ दो कैरेक्टर आपको देखेंगे, एक तो सनी कौशल जो कि अमेजिंग, और यामी गौतम जिन्होंने अपनी शादी के बाद कुछ ही मूवी करी है और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ये भी है, और शरद केलकर। शरद केलकर उनका तो ऑल ओवर अमेजिंग रहता है यार, जिस भी एक्टिंग में ही दम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे जाके देखिए, एक नंबर मूवी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। स्टोरी का प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक लड़की और एक लड़का दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं, और उसके बाद होता है गेम चालू। हमें तो पता ही नहीं लगता, मुझे भी तो बोलने दिया करो ना, बोलो 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 बोलो, मुझे नहीं बोलने देते हो। एक लड़के ने एक लड़की को प्यार के जाल में फंसा लिया, और फिर बाद में उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दे दिया। तो लड़की लड़के को हो जाता है प्यार, और उसके बाद चालू होता है असली सस्पेंस, असली सस्पेंस, जो कि आपको सस्पेंस का पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे वो प्लान करते हैं कुछ और, डायमंड्स, जहाँ डायमंड की बात आती है तो ऐसा लगता है ना हमें भी मिल जाए, कहाँ से हमें मिल जाए। लेकिन डायमंड को चोरी करने का प्लान बनता है, क्योंकि डायमंड की स्मगलिंग होगी यहाँ से वहाँ, उस दौरान बीच में से उड़ा लेंगे सारे डायमंड्स, प्लेन में आ जाते हैं टेररिस्ट और हो जाता है हाईजैक के बाद सब भागते हैं इधर उधर, लगता है हाईजैक हो गया प्लान हमारा। हीरो कहता है कि अब तो हम डायमंड कैसे निकालेंगे। लेकिन उसी के बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कि पूरा दिमाग घुमा देने वाला है भाई लोग, पूरा दिमाग घुमा देने वाला है। फ्लाइट जहाँ जानी होती है वहाँ नहीं जाती, उसके साथ फ्लाइट को जहाँ जाना होता है उसको ले जाता है कुल्लू। कुल्लू भी बहुत ही लास्ट में आपको पता लगेगा कि क्यों ले जाया जाता है कुल्लू, वो तो क्लाइमेक्स का सीन है ना। लेकिन ओवरऑल इन सब के बाद रनवे पे प्लेन लैंड करता है, और उसके बाद टेररिस्ट मार दिए जाते हैं, पुलिस वालों को सबको पता लग जाता है टेररिस्ट हो गए, खत्म। लेकिन उसके बाद एक और क्लाइमेक्स, एक और, उसके बाद जब पुलिस टेररिस्ट को ढूंढती है तो टेररिस्ट की बॉडी नहीं मिलती, फिर पता चलता है कि टेररिस्ट की बॉडी आखिर गई तो गई कहाँ, उसके बाद पता चलता है टेररिस्ट थे ही नहीं। फिर उसके बाद पता चलता है चॉकलेट बम, वाह चॉकलेट बम तो मैंने पहली बार देखा। उसके बाद पता चलता है हाईजैक भी नहीं था भाई लोगों। लेकिन एक और चीज, ये ऐसी स्टोरी आपको बार बार नहीं मिलेंगी बॉलीवुड में, ये आती हैं बहुत अरसे बाद, हमें अच्छा कंटेंट देके जाते हैं। लेकिन सस्पेंस मूवी का एक बहुत अच्छा, तो सच बताता हूँ, आप एक बार उसको देखने के बाद दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा स्टाइल नहीं है, बस स्टोरी है, नॉर्मल है। मतलब स्टोरी रिवील होने के बाद आपको लगता है ना स्टोरी किसी की हमें पता लग गई, अब नहीं देखना दोबारा। एक बड़े बजट की मूवी को हम दोबारा देखते हैं, तीन बार देखते हैं, लेकिन इसको पहली बार उतने इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे जितना हम किसी और मूवी को नहीं देखेंगे। बाद में शायद हो सकता है आप ना देखो, लेकिन पहली बार जब आप इसे एक टाइम देखने के लिए मूवी ओके है, पहली बार जब आप इसे देखोगे तो लास्ट तक जुड़े रहोगे, जब तक बिल्कुल दी एंड आपके आंखों के सामने लिखा नहीं आ जाता। तो उसके बाद हाईजैकिंग के बाद जब उनको पता लगता है ये तो रॉबरी है, और उस दौरान पता लगता है कि यामी गौतम ने डिच किया अपने बॉयफ्रेंड को, वो भी इसलिए क्योंकि इससे पहले उसने डिच किया था यामी गौतम को, और उसको पता ही नहीं था। हो गए ना कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूजन आपका तभी दूर होगा जब आप जाके जाके मूवी देखोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल वार्तालाप के साथ। जब तक वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए। तो जाइए नेटफ्लिक्स पे देखिए मूवी चोर निकल के भागा और मजे लीजिए मूवी का। गरीबों वाली बात।
क्या करें ज्यादा वैसे हुए ऐसी अच्छी लगती है देखना इस पर सब तारीफ करेंगे करो ना चलो देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 में लगा था मुझसे नहीं हो रहा इसी बात पे चोर निकल के भागा पर नहीं हो रहा यार दोबारा दूसरा कराओ नहीं हो रहा यार दोबारा दूसरा कराओ लेकिन बहुत ही सफाई के तरीके से